उत्तरकाशी सुडंगरु श्रमिकंकु उद्धार पाई आहुरी 12 रु 14 घंटा समय लागिबो। गतकालीठु जदि उद्धार कार्य जोरदार होइछि किंतु एबे आहुरी समय लागिबो बोली पीएमओर पूर्वतन परामर्शदाता भास्कर खुलवे कहिछन्ति। उद्धार कार्य रे एनडीआरएफ डीजी कहिछन्ति ड्रिलिंग काम शेष होबा परे यथाशीघ्र तांको बाहरकु आणिबा पई समस्त प्रस्तुति शेष होइछि बोली से कहिछन्ति। 41 जीवन बंचेबा पई उद्धारकारी टीम जोर लगाइ दैछन्ति। मोट 57 मीटर ड्रिल करने बेले एवं सुधा 48 मीटर अधिक ड्रिल होता नहीं सूचना रही। आ मात्र 12 मीटर पथर खंड खोल प्रयास जारी रही। 12 दिन पर बंद सुडंगरु बाहर 41 श्रमिक एथपाई सब प्रस्तुति सरी। श्रमिकों उद्धार पर घटनास्थल में 40 आंबुलांस मुतयन रही। सहित गैस मास्क स्ट्रेचर और 15 जनिया डाक्तरी टीम घटनास्थल में सजग रही। गतकाली रात में ड्रिलिंग मशीन ब्लेड भांगी उद्धार काम बाधाप्राप्त होता। 4 लुहा रड आसव उद्धार कार्य बाधाप्राप्त होता पर पुणि उद्धार कार्य आरंभ हो। सेपटे सुडंग में फसीता श्रमिकों सहित कथा होती उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। श्रमिकों स्वास्थ्यावस्था बुझा सहित श्रमिकों आश्वासना देते पुष्कर सिंह धामी खूब शीघ्र समस्त को उद्धार करकीटकी जरिया श्रमिकों को जनाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक कथा कहिछंती कि खूब शीघ्र फसीता लोक मैंने समस्ते बाहर को बाहर। हाँ गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुँच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर और प्रधानमंत्री जी रोज़ आप लोगों के बारे में रोज़ चिंता कर रहे हैं, रोज़ अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना ये, तो हाँ तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? चलिए नहीं नहीं चिंता एक्चुअली में नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर, जैसे ही आप लोग बाहर आएंगे अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं। ये सारी बातें सबको बता चलिए बहुत ठीक है। खाना वाना पहुँच जा रहा है, अभी पानी है अंदर? हाँ बिल्कुल, टेंशन नहीं लेनी है और सबको बिल्कुल जो है कहिए कि बस जल्दी से जल्दी, और आप ही लोगों को नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है ठीक है ना। और अभी प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया है कि उन्होंने कहा कि भाई कब तक क्या संभावना है, मैंने कहा बहुत जल्दी की संभावना है और हो जाएगा है ना। हाँ सब लगे हैं बिल्कुल, यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह भी सब व्यवस्था कर रखी है, अगर किसी को बाहर आते ही कोई मेडिकल वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो ठीक है, सबका ध्यान रखिए और बिल्कुल जो है बस जल्दी से जल्दी अब तो भगवान की प्रार्थना करनी है हम लोगों को कि जल्दी से जल्दी, बाकी एक्सपर्ट लोग और जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं ये इंजीनियर हैं सब अपना काम कर रहे हैं ठीक है ना। हाँ गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? अरे सभा भाई सब ठीक है ना? चलिए ठीक है, तो आप लोगों के घर तक सब आप लोगों के जो तस्वीर वगैरह जो वीडियो से आया था वो सब चला गया है, सब लोगों को बता दीजिए। घर वाले भी जो है सब लोग अभी जो है बिल्कुल आश्वस्त हैं सब कि आपने जो है सबका जितना मनोबल बना के रखा है यहाँ पर, मुझे सबकी जानकारी है आपके बारे में, आपके बारे में और नेगी जी के बारे में, दोनों लोगों के बारे में। आप लोगों ने जो है पूरी टीम को एकजुट रखा और स्वस्थ हैं सब लोग। आप लोग चलिए ध्यान रखिए, अब बिल्कुल हम लोग पास में पहुंच गए तो पता ही है आप लोगों को ना। हाँ मैं कल रात को वो जो सरिया वरिया कुछ आ गए थे बीच में ना, बीच में गड, हाँ लेकिन काट दिया है सब, काट दिया है।
अभी जनरल बीके सिंह साहब भी आए हुए हैं, माननीय मंत्री जी ना, हाँ साथी में हैं, और प्रधानमंत्री जी लगातार आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज सारी जानकारी ले रहे हैं, और सब लोगों को उन्होंने लगा रखा है। पूरे देश भर के इंजीनियर लगे हैं, विशेषज्ञ लगे हैं सारे, है ना, विदेशों के भी आए हैं, अर्नल्ड जी वो भी जो है पूरा अभी हम लोगों के साथ ही हैं यहाँ पर, यहाँ के बाहर के लोग भी हैं, और आप लोगों के परिवार के लोगों से भी बात करवाने के लिए बोल दिया, ये भी व्यवस्था करेंगे, ठीक है ना। तो हो सकता ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप, क्योंकि जल्दी से जल्दी, थोड़ा ये है कि अब 10 ही मीटर आना है आगे अंदर ना, तो वो 10 मीटर कल ही आ जाता, लेकिन कल वो सरिया आने की वजह से दिक्कत हो गया है, वो कट गया है, अब देखते हैं दोबारा काम शुरू हो रहा है, ठीक है। नहीं हम यहीं पर हैं, सब लोगों को बता दीजिए, ठीक है, हाँ चिंता नहीं करिए, ठीक है, ठीक भैया।